नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए 3 अप्रैल के करंट अफेयर। और यहाँ पर गाइस वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और एक बात दोस्तों मैं आप लोग के लिए यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो करंट अफेयर है आपके SSC, JEE, CGL, CHSL सारे एग्जाम जो होंगे सभी में आएंगे। इसके अलावा दूसरे करंट अफेयर आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और गाइस आपको ये जो सेशन मैं लेकर के आता हूँ क्यों लाता हूँ, ताकि आपको डेली जो 1 एंड आप बोल सकते हो 1 to 1.5 आवर जो आप वेस्ट करते हो वो आपका वेस्ट ना हो और आप लोग जो है कुछ अच्छा सीखे कम समय में। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दिस इज माय कोड, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं, जो कि होता है 10%। अब स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस जो अटल इनोवेशन मिशन है ये बेसिकली कौन चलाता है, ये चलाता है आपका नीति आयोग, ठीक है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था एम प्राइम, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, और साथ में एक ऐड करके क्या लाया गया यहाँ पे प्राइम। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइम इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में ही, तो गाइस इसको सपोर्ट कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, यस सर। और यहाँ पर गाइस जो हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइम है, इसमें जो ई है इसका मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे ई फॉर हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नीति आयोग है उसने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, और क्यों लॉन्च किया था गाइस नीति आयोग ने इसको, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ताकि गाइस हमारे कंट्री में आप बोल सकते हो इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप किया जा सके, है ना। और उसके थ्रू गाइस आप लोग बात करें, जब इनोवेशन आएगा तो उससे बहुत तरीके के आपके स्टार्टअप देखने को मिलेंगे, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे डेवलप होगा। और ये कब स्टार्ट किया गया था गाइस, अटल इनोवेशन मिशन 2016 में। और इसी के अंडर में गाइस हम लोग बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन प्राइम लाया गया। और प्राइम में गाइस आप लोग इसका फुल फॉर्म जो आप यहाँ पे देखते हो, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्राम फॉर रिसर्चेस ऑन इनोवेशन, है ना। हम लोग बात करें मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर गाइस हुआ क्या, आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे 12 मंथ की तो ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगी, और ये ट्रेनिंग सपोर्ट करेंगे कौन गाइस, हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ध्यान से, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये वही बिल गेट है माइक्रोसॉफ्ट वाले। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी आपके यहाँ पे जो आइडियाज होंगे, यस और नो, कोशिश की जाएगी कि उन आइडियाज को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाए, किसमें, कमर्शलाइजेशन किया जाए, मतलब आप समझ रहे हो एक अच्छा खासा आपका मार्केट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो आपके जो आइडिया होंगे उसमें गाइस ये लोग क्या करेंगे, अपने मतलब आप बोल सकते हो इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको यहाँ पे और बताएंगे, और जिसके थ्रू गाइस आप लोग अपने आइडिया को आप बोल सकते हो कि कमर्शलाइज करते हुए आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेनर बन सकते हैं। तो ये भी याद रखना, अटल इनोवेशन जो मिशन है वो नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि भाई साहब कौन सा फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, और प्राइम का फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो माटी फेस्टिवल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है दिल्ली NCR। अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वांचल फेस्टिवल माटी, यस सर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये पूर्वांचल है क्या। देखो इससे मैं आपको गाइस मैं बता देना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के LG हैं, जिनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी अटेंड किया था पूर्वांचल फेस्टिवल जिसका नाम क्या दोस्तों, माटी। और ये कहां पर हुआ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। अब अगर गाइस हम लोग बात करें पूर्वांचल है क्या, तो पूर्वांचल एक ज्योग्राफिकल रीजन है, कहां पर दोस्तों, ये आप देख सकते हो ईस्टर्न एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यस और नो। जो उत्तर प्रदेश का जो आप बोल सकते हो पूर्वी जो अंतिम हिस्सा है उसका एक हिस्सा है। और यहाँ पे गाइस हम बात करें बहुत ही एंशियंट रीजन है हमारे भारत देश का, और यहाँ का बहुत ही रिच हेरिटेज है, आप बोल सकते हो बहुत ही रिच यहाँ का कल्चर है। और गाइस अगर हम लोग बात करेंगे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और याद रखना, जो पूर्वांचल है उसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस याद रखना, अब जो दिल्ली में या फिर मैं बोलूँ दिल्ली NCR में जो पूर्वांचल के जो लोग रहते हैं, तो उनके स्पिरिट को स्ट्रेंथ करने के लिए आप बोल सकते हो गाइस बिलोंगिंग, आप बोल सकते हो उनकी और ज्यादा आप बोल सकते हो भाई स्ट्रेंथ करने के लिए पूर्वांचलियों के लिए एक त्योहार स्टार्ट किया गया, या फिर आप बोल सकते हो एक फेस्टिवल स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया माटी। और ये जो गाइस ग्रैंड फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 2018 से, तो ये बात भी गाइस आप लोग यहाँ पे याद रखना, यानी कि ये इस समय कौन सा एडिशन है, ये इस समय 4th एडिशन है। तो याद रखना माटी कहाँ की, पूर्वांचल की, और कहाँ पर है, न्यू दिल्ली या फिर आप बोल दो दिल्ली NCR में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे गाइस आपसे पूछा जा रहा है, हमारे जो मिस्टर है मिस्टर मनसुख मांडवी, यस और नो, और आप सभी जानते हो मनसुख मांडवी जी को, तो इन्होंने गाइस क्या किया है, कौन से दो आप बोल सकते हो सिटी के बीच में
क्रूज सर्विस स्टार्ट की है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है क्रूज सर्विस, और ये इन्होंने स्टार्ट की है अगर हम बात करें तो सूरत और दीव के बीच में। यस और नो, कहाँ गया गाइस अगर हम लोग बात करें, हाँ जी सूरत और दीव के बीच में। और अगर गाइस हम लोग बात करें मनसुख मांडवीय को, आप बहुत अच्छे जानते हो, ये हमारे पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। और जो क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई है ये हजीरा पोर्ट है कहाँ पर, सूरत में, यहाँ से स्टार्ट होकर के जाती है दीव। यस और नो, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे है ये भी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बात करें डायमंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, डायमंड कटिंग के लिए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की रिलीज की गई, इसको रिलीज किया है किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, आप समझ रहे हो जेंडर गैप, यस और नो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग से जो आप लोगों को मैं जो होमवर्क देने वाला हूँ, होमवर्क ये है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे। और अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये कि इंडिया की रैंकिंग है 140। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें टोटल 156 जो कंट्री थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें गाइस जो लास्ट रहेगा वो कौन है, अफगानिस्तान। हमारी भी रैंकिंग दोस्तों देखो यहाँ पे 140 है, और हम लोग गाइस लगातार फॉल कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें हम लोग लास्ट ईयर कितने थे, 28 प्लेसेस हम लोगों ने यहाँ पे फॉल किया है। देखो हम लोग पहले लास्ट ईयर 112 थे, पर इस बार हम लोग की रैंकिंग क्या है, 140। और इसको टॉप किसने किया, मतलब जो सबसे बेस्ट है गाइस वो कौन सा है, वो आइसलैंड, जो कि हम लोग जानते हैं गाइस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यूरोप में। और आइसलैंड की जो कैपिटल है रेकजाविक, वो नदन मोस्ट कैपिटल सिटी, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। और आइसलैंड को फॉलो करते हैं कौन गाइस, फिनलैंड जिसकी कैपिटल है आपकी हेलसिंकी, और नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो। अब गाइस अगर मैं बात करूं जो पूरा का पूरा साउथ एशिया है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन, और जो है आपका रीजनल कॉपरेशन के बनाया गया था सार्क, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू, और ये बांग्लादेश के ढाका में बनाया गया था 1985 में। तो इसमें जो सबसे अच्छी रैंकिंग आई है वो है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की रैंकिंग कितनी है, 65। नेपाल की देखो 106, श्रीलंका की देखो 116, भूटान की देखो 130। बस गाइस यहाँ पर ना इंडिया की रैंकिंग सिर्फ किससे बेटर है पता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की रैंकिंग आपको यहाँ पे मिलेगी 153, ठीक है ना। तो हम लोग की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, हमारी रैंकिंग है 140। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 का जो जिसमें गाइस हम लोग बात करें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने, ये गाइस हम लोगों से पूछा जा रहा है कहाँ से आपको आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये 2 दिन का था, और ये इसके बारे में बात करूं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहां से गाइस हम लोग बात करें ये देखने को मिलता है। और ये है क्या, देखो तो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, होप कंसोर्टियम। और ये जो होप कंसोर्टियम है इसने क्या प्लान किया दोस्तों, ये लोग 18 बिलियन है ना डोसेस जो है कोविड-19 वैक्सीन की वो पूरे वर्ल्ड में आप बोल सकते हो गाइस बांटेंगे। कब तक, हम लोग बात करें एंड ऑफ 2021 तक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगर वैक्सीन लग जाएगी तो जो आपका इम्यूनाइजेशन है जो गाइस हम लोग बात कर सकते हैं वो आपका बेटर हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके डाला है क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप लोग को पता है कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, यहाँ पे आप लोग देखें शोर एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2021 साउथ एशिया वैक्सीनेट दैट वॉज रिलीज 2021, है ना, अभी अभी रिलीज हुआ है। तो वही हिसाब से पूछा गया कि इसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी इस बार, यस और नो, यानी कि जो 2021-2022 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, तो इस वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये होने वाला है 10.1%। हमेशा वर्ल्ड बैंक का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो आपको याद रखना है ना। और जीडीपी वगैरह जो चीजें ये सब किसने दी थी, ये दी थी साइमन कजनेट्स ने, इसके लिए उनको क्या मिला था दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है ONGC जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस, आपका न्यू दिल्ली, तो इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो गाइस जो ONGC है इसके चेयरमैन एंड MD किसको बनाया गया, तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर गाइस आप लोग लगा करके आएंगे सुभाष कुमार, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं बेस्ड ऑन
योर पास पेपर, आपके जो पुराने पेपर उनको बेस करके ही मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ। मैं कुछ भी रॉकेट साइंस और कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर का जो बैंक है जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर बैंक बोलते हैं गाइस, इसके चेयरमैन और एमडी कौन थे जिनका टेन्यूर अभी अभी 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों याद रखें, इनका नाम है मिस्टर आर के छिब्बर, ठीक है। और आप सभी लोगों को दोस्तों एक काम करना है, हमेशा साथ में जब भी मैं न्यूज पढ़ाऊं इसको आपको लिखना है, और जिस भी स्टेट के बारे में बात हो उसके सीएम लिखे आप, उसके गवर्नर लिखे, वहां की कैपिटल लिखे, और वहां पे जो जो नेशनल पार्क है उनके नाम लिखे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम लिखे। अगर आप इतना करते जाओगे ना तो आपकी स्टैटिक जीके जो है ना बहुत तेजी से बेटर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है गाइस, है ना, ये बनी थी 2019 में, जिसके मिनिस्टर कौन है, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। तो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गाइस हम लोग बात करें, एक प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है जल जीवन मिशन, है ना, नेशनल जल जीवन मिशन, इसी को शॉर्ट में NJJM बोलते हैं। तो जो नेशनल जल जीवन मिशन है ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, है ना, अगर गाइस हम लोग बात करें मॉनिटर करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, देखो तो मॉनिटरिंग भी करेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा, किसका, नेशनल जल जीवन मिशन का। तो याद रखना दोस्तों ये होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ होने क्या वाला है, ऐसे सेंसर्स लगाएंगे जो इंटरनेट से भी कनेक्टेड होंगे। देखो यहाँ पे ऐसे सेंसर लगाएंगे गाइस जो इंटरनेट से भी कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं IoT का फुल फॉर्म। और इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा गाइस कि आप रियल टाइम में देख पाओगे कि भाई साहब सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, यानी इफिशियंसी कैसी चल रही है, जैसे ना कॉस्ट का भी रिडक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें गाइस कॉस्ट का रिडक्शन क्यों होगा, कहीं पर भी लीकेज होने की थोड़ी सी भी संभावना है तो यहाँ पे पता हो जाएगा, वो बढ़े उससे पहले इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। यस और नो, देखो हम लोग बात करें यहाँ पूरी तरीके से मॉनिटरी होगी, लीचिंग आपका लीकिंग की होगी, लो प्रेशर होगा, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है सब कुछ दिखेगा। और गाइस अगर हम लोग बात करें ये जो प्रोजेक्ट है अभी के लिए स्टार्ट किया जा रहा है 5 स्टेट में, वो कौन कौन सा स्टेट है, तो आप इनके नाम याद रखने की कोशिश करें, उत्तराखंड, देन राजस्थान, देन गाइस हम लोग बात करें गुजरात, देन महाराष्ट्र और देन हिमाचल प्रदेश। और धीरे धीरे इसके बारे में गाइस मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में फैलेगा। तो अभी के लिए गाइस मैं बात करूं मोर देन 6 लाख विलेज में जा रहा है। और यहां पर गाइस मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं, जो नेशनल जल जीवन मिशन है इसमें क्या है कि जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पर 2024 तक आपको ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, 2024 तक क्या पहुंचाना है दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर यहां पे पहुंचाना है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को ध्यान में रखना है, तो ड्रिंकिंग वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए तो ये याद रखेंगे, नेशनल जल जीवन मिशन में टारगेट है कि ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे गाँव है वहां तक पहुंचा के देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, जो हमारे सोलर फिजिसिस्ट हैं, जो हमारे गाइस हम लोग बात करें जो सौर जो भौतिक विद हैं, है ना, तो जो हमारा जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल है, वहां नैनीताल में वहां पर गाइस एक एल्गोरिथम बात करें गाइस विकसित किया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्को, CISCO। और ये क्या डिटेक्ट करेगा कि भाई साहब कहीं पर सोलर इरप्शन तो नहीं हो रहा है, मतलब कि कहीं पर सौर विस्फोट तो नहीं हो रहा है, यस और नो। और ये जो है हमारे कौन से मिशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या, जो सोलर इरप्शन होता है, जो सौर विस्फोट होता है उसकी मॉनिटरिंग करेगा, है ना, और ये आर्यभट्ट जो इंस्टीट्यूट है उसने बनाया है। और अगर मैं गाइस से बात करूं तो इसरो के कौन से मिशन में आपको देखने को मिलेगा, तो बेटा ये इसरो के आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहां पर है, नैनीताल उत्तराखंड में। और अगर गाइस हम लोग बात करें तो इन्होंने जो बनाया है आपका CISCO, यस और नो, अगर हम लोग बात करें ये आइडेंटिफिकेशन करेगा किसका, जो बेटा सन का जो एक लेयर होता है कौन सा बताओ, कोरोना, जो इनर कोरोना है उसमें कहीं पर भी सोलर इरप्शन तो नहीं हो रहा, इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। और याद रखें गाइस ये आपको आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेगा। और आदित्य L1 मिशन क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों किसकी, सन की। और ये मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है गाइस, एक्सपेक्टेड है 2022, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया का फर्स्ट मिशन है इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, सन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 9 हॉट सिटीज और 10 स्टेडियम चुने गए हैं किसके लिए, 2023 के वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। और आपसे पूछा जा रहा है कौन से 2 देश इसकी मेजबानी कर रहे हैं,
तो गाइस ये दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गाइस। जो 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम है, और आप सभी जानते हैं कि ये पोस्टपोन होकर के कब हो गए गाइस, ये 2021 में हो गए। तो इसमें इंडिया की एकमात्र जो डिस्कस थ्रोअर है जिन्होंने क्वालिफाई किया इस ओलंपिक के लिए, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कमलप्रीत कौर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में अनिल, जो हम लोग गाइस बात करें अनिल धरकर साहब जो है, इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 74। और गाइस इन्होंने क्या शुरुआत किया था? दोस्तों याद रखो, इन्होंने स्टार्ट किया था मुंबई इंटरनेशनल, किस चीज से रिलेटेड बेटा? लिटरेसी फेस्टिवल। ये जर्नलिस्ट भी थे, है ना, बात करें गाइस तो बहुत फेमस थे। तो काफी ज्यादा काम इन्होंने किया हुआ था। तो मुंबई इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल जो आप देखते हैं, उसके लिए अनिल धरकर जी ही, आप बोल सकते हो गाइस, यही जो है वो जिम्मेदार है। एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। जो अम्बोली रीजन है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट यानी कि गाइस सह्याद्री में। तो यहाँ पर जो साइट है इसको गाइस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? जो आपका अम्बोली रीजन है वेस्टर्न घाट का, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने वाला कौन सा स्टेट है, जहां पर रेयर यानी कि जो गाइस दुर्लभ ऐसी मछली पाई जाती है फ्रेश वाटर वाली, जिसका नाम क्या गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टुरा हिरण्यकेशी। जो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जो सिस्टुरा हिरण्यकेशी है ये अम्बोली क्षेत्र में मिलती है, कहाँ पर? अगर हम लोग गाइस बात करें वेस्टर्न घाट में। और इसको गाइस बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है इस रीजन को। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है। लास्ट क्वेश्चन गाइस आज का, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से दो स्टेट है गाइस जहां पर फेमस क्या होती है, आइडल शिफ्टिंग ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि मूर्ति शिफ्टिंग ट्राइबल, यानी कि गाइस आप समझ जाते हैं, है ना, ट्राइबल मतलब कि जो हमारे आदिवासी हैं, है ना। तो हम आइडल शिफ्टिंग ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, मान्या कोंडा जात्रा। यहाँ पर क्या होता है, जो चार भगवान है उनको उड़ीसा से शिफ्ट किया जाता है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो गाइस ये करंट अफेयर कैसे लगे आप लोग लेक्चर में जरूर बताएं। देखो मेरी कोशिश है कि वो सभी करंट अफेयर कराऊं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज आप लोग रिवाइज करते रहे और यार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक गाइस अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, और गाइस आप एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं NG10। और कभी भी गाइस इन सब्सक्रिप्शन को परचेस कर सकते हैं, बट 6500 में नहीं, जस्ट यूज दिस कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।